व्यूअर्स, आप सभी सोच रहे होंगे चिल्लर ज्ञान का नेक्स्ट वीडियो इतना जल्दी कैसे? वो ऐसा इसलिए क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 2020 के सबसे लेटेस्ट सिक्के के बारे में, जो कि कल ही जारी किया गया है, यानी कि 12 अक्टूबर 2020 को। तो मेरे हिसाब से आप सभी व्यूअर्स और कलेक्टर्स के लिए चिल्लर ज्ञान का आज का ये वीडियो सबसे पहला वीडियो होने वाला है इस सिक्के की डिटेल जानकारी पे। तो कौन सा है ये सिक्का, क्या खासियत है इस सिक्के की, ये अच्छे से आगे हम जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, आज के इस लेटेस्ट सिक्के की इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं आपको बताने वाला हूं एक और सिक्के के बारे में, जिसकी खासियत यह है कि यह सिक्का अभी तक भारत सरकार द्वारा जारी भी नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही यह सिक्का जारी किया जाने वाला है। इस सिक्के के बारे में भी शायद ही आपको फिलहाल में कोई इंफॉर्मेशन मिल पाए, लेकिन मैं आप सभी को यहां पे इसके बारे में भी अपडेट करने वाला हूं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, और चिल्लर ज्ञान को फॉलो कीजिए सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जिनके सोशल हैंडल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं इन लेटेस्ट सिक्कों की डिटेल जानकारी पे। तो व्यूअर्स, 12 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार ने लॉन्च किया 2020 का सबसे लेटेस्ट 100 रुपए का ये सिक्का। ये सिक्के लॉन्च किए गए श्रीमती विजया राजे की 100वीं वर्षगांठ को कमेमोरेट करने के लिए, और इन्हें लॉन्च किया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल सेरेमनी के थ्रू। आप सभी अच्छे से इस लेटेस्ट 100 रुपए के सिक्के को देख सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये सिक्के आखिर क्यों जारी किए गए और इनके पीछे की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है। श्रीमती विजया राजे, जिन्हें पॉपुलरली जाना जाता है राजमाता ऑफ ग्वालियर के नाम से, जैसा कि वो बिलोंग करती थी रॉयल फैमिली ऑफ ग्वालियर को। रॉयल फैमिली के साथ साथ ये एक प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिशियन भी रही। इनका जन्म हुआ था 12 अक्टूबर 1919 को। इसी वजह से 12 अक्टूबर 2020 को इनकी एनिवर्सरी के मौके पे जारी किया गया ये लेटेस्ट 100 रुपए का सिक्का। एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। श्रीमती विजया राजे लास्ट महाराजा ऑफ ग्वालियर जिवाजी राव सिंधिया की वाइफ थी, जिनके खुद के पोर्ट्रेट के सिक्के हमें प्रिंसली स्टेट कॉइन्स में देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसली स्टेट ऑफ ग्वालियर का ये पाव आना, जिसमें जिवाजी राव का पोर्ट्रेट नजर आता है। तो इस हिसाब से अब 2020 में हम कह सकते हैं कि राजमाता ऑफ ग्वालियर और महाराजा ऑफ ग्वालियर दोनों ही हमें इंडियन कॉइन्स में देखने को मिलते हैं। तो आइए जान लेते हैं 100 रुपए के इन सिक्कों की बेसिक डिटेल्स। तो ये है सिक्के का ओवर साइड, जिसे हम कहते हैं हेड्स। इसका डिजाइन सिमिलर है पुराने इशू किए गए 100 रुपए के सिक्कों जैसा, जिसमें आपको टॉप में नजर आता है अशोक स्तंभ, जिसके नीचे हिंदी में है नेशनल मोटो सत्यमेव जयते, और उसके नीचे है डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन 100। लेफ्ट और राइट में आपको नजर आता है हिंदी लेजेंड और इंग्लिश लेजेंड भारत इंडिया। सिक्के के रिवर्स साइड में आपको नजर आता है श्रीमती विजया राजे सिंधिया का ये पोर्ट्रेट, जिसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। टॉप में अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा हिंदी लेजेंड श्रीमती विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी, और बॉटम में आपको नजर आएगा इंग्लिश लेजेंड सेंटेनरी ऑफ श्रीमती विजया राजे सिंधिया। श्रीमती विजया राजे के इस पोर्ट्रेट के नीचे आपको नजर आएगा उनका बर्थ ईयर 1919 और 2019, जब उन्होंने पूरे किए अपने 100 वर्ष। हालांकि ये सिक्का 2020 में जारी किया जा रहा है। फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इस सिक्के का मेटल कॉम्पोजिशन है क्वार्टनरी अलॉय, जिसमें आपको सिल्वर नजर आएगा 50%। शेप की अगर हम बात करें तो शेप है सर्कुलर। स्टैंडर्ड डायमीटर है 44 mm, और स्टैंडर्ड वेट की अगर हम बात करें तो वो है 35 grams। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस सिक्के से जुड़े हुए कुछ स्पेशल फैक्ट्स। ऐसा पहली बार होगा कि किसी रॉयल इंडियन फैमिली के पोर्ट्रेट पे कोई स्मारक सिक्का जारी किया जा रहा है।
ये 100 रुपए के सिक्के कुछ टाइम में प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स में जारी किए जाएंगे और मिंट्स द्वारा बुकिंग के लिए अवेलेबल होंगे। तो जो कोई कलेक्टर्स इन सिक्कों को जल्द से जल्द अपने कलेक्शन में ऐड करने में इंटरेस्टेड हों, तो वो सभी जरूर इंडियन गवर्नमेंट मिंट की वेबसाइट SPMCIL से अपडेट लेते रहें। वेबसाइट का लिंक आप सभी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। श्रीमती विजया राजे के थीम के इन सिक्कों के लॉन्च पे केवल 100 रुपए के सिक्के लॉन्च किए गए हैं। अभी इस बात का कंफर्मेशन नहीं है कि इस थीम पे छोटे डिनोमिनेशन के सिक्के जैसे 5 रुपए, 10 रुपए जनरल सर्कुलेशन के लिए जारी किए जाएंगे या नहीं, तो इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही कोई अपडेट मिलता है तो चिल्लर ज्ञान पे हम जरूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इन सिक्कों में आपको सिंगल कॉइन प्रूफ सेट्स या यूएनसी सेट्स ही देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो इन 100 रुपए के सिक्कों की अनुमानित कीमत होगी लगभग 2500 से 3000 रुपए के बीच। अब मैं आपको बताने वाला हूं उस सिक्के के बारे में जो जल्द ही भारत सरकार द्वारा जारी किया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे पहले इस सिक्के के बारे में अपने आप को अपडेट कर लीजिए। अगर आप चिल्लर ज्ञान के वीडियोस को फॉलो करते हैं तो मैंने आपको पुराने एक वीडियो में बताया था कि यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। FAO की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1945 में। इसी वजह से वर्ष 1970 में FAO की 25वीं वर्षगांठ पे जारी किए गए थे 10 रुपए और 20 पैसे के ये स्मारक सिक्के, जिनके बारे में शायद आप में से काफी व्यूअर्स जानते हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ईयर 1995 में जब FAO ने पूरे किए अपने 50 वर्ष तो जारी किए गए थे 5 रुपए के ये स्मारक सिक्के। यूनाइटेड नेशंस के इन 5 रुपए के स्मारक सिक्कों के बारे में भी आप जानते होंगे। तो ऐसे ही व्यूअर्स, अक्टूबर 2020 में FAO पूरे करने वाला है अपनी 75th एनिवर्सरी यानी कि 75 साल। तो इस ओकेजन को कमेमोरेट करने के लिए जल्द ही जारी किए जाएंगे 75 रुपीज के सिक्के। इस सिक्के के डिजाइन के बारे में अभी मैं कंफर्म नहीं हूं। जैसे ही इस पे भी कोई कंफर्मेशन आता है तो इस पे भी मैं आप सभी को जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ध्यान दें, ये सिक्के भी प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो व्यूअर्स, ये हुई 2020 के सबसे लेटेस्ट सिक्कों की पूरी जानकारी। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को ये इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड अपडेट लेटेस्ट इंडियन कॉइन्स पे, और कैसा लगा 2020 का सबसे लेटेस्ट 100 रुपए का सिक्का? आप सभी अपने व्यूज और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस लेटेस्ट 100 रुपए के सिक्के और फ्यूचर में आने वाले इस 75 रुपी कॉइन के बारे में सभी व्यूअर्स और कलेक्टर्स जान पाए और अपडेटेड हों, ताकि जब भी ये सिक्के मिंट द्वारा बुकिंग के लिए ओपन होते हैं तो जो लोग भी इनमें इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द इन्हें बुक कर पाएं। और अगर आप चाहते हैं इंडियन कॉइन्स पे शॉर्ट और क्विक इन्फॉर्मेशन, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं हमारा दूसरा न्यूमिस्मेटिक चैनल हेड्स एंड टेल्स, और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक इंटरेस्टिंग गिव अवे कॉन्टेस्ट में, जिसमें पार्टिसिपेट करने से आप जीत सकते हैं एक यूएनसी सेट कॉइन। तो जरूर इस चैनल को चेक करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।